हल्दू चौड़ फायरिंग मामला, पुलिस ने 2 घंटों के भीतर 6 आरोपियों को धर दबोचा। लालकुआ कोतवाली के हल्दू चौड़ में क्षेत्र में दिन दहाड़े हुई फायरिंग की घटना के बाद पुलिस प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए 2 घंटों के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला हल्दू चौड़ के देवरामपुर की है, जहां आपूर्ति निरीक्षक मोहित कठैत की अध्यक्षता में आयोजित सस्ते गल्ली की दुकानों की बैठक के दौरान मोहित जोशी और राजू पांडे के बीच कहासुनी के बाद विवाद बढ़ गया। लालकुआ कोतवाली में दर्ज शिकायत में वादी कैलाश चंद्र के मुताबिक वह अपनी दुकान दौलिया हल्दचूर पहुंचा, तभी 3 कारों में सवार आरोपियों ने उस पर पथराव और फायरिंग कर दी। किसी तरह से उसने भागकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने दी गई तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इधर SSP नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा ने मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए। पुलिस टीम ने त्वरित कार्यवाही करते हुए महज 2 घंटों के भीतर सतीश सनवाल, भगत सिंह दरियाल, विजय जोशी, राजेंद्र पांडे उर्फ राजू, हिमांशु बमेठा व मोहित जोशी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही घटना में प्रयुक्त हथियार और वाहनों को भी कब्जे में ले लिया। पूछताछ के बाद फायरिंग में इस्तेमाल की गई पिस्तौल मोहित जोशी के पास से बरामद की गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। गिरफ्तार आरोपियों में से कई आरोपियों का पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। लालकुआ थाना क्षेत्र में एक सरकारी दुकान के आवंटन को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ और एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को डराने के लिए और वहाँ अपना वर्चस्व जमाने के लिए उनके ऊपर जो है फायर किया और जो है उसको जान से मारने का प्रयास किया। इस मामले में पुलिस ने तत्काल FIR रजिस्टर की और FIR रजिस्टर करते हुए इसमें 6 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया। साथ ही जिस वेपन से गोली चली है वो वेपन भी पुलिस के द्वारा बरामद कर लिया है। जो ये 6 लोग गिरफ्तार किए हैं इनमें से 3 लोगों का आपराधिक इतिहास है और ये लोग पूर्व में भी आपराधिक जो गतिविधियाँ उनमें संलिप्त रहे हैं। अभी तक की जो पूछताछ उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश से ये इस तरीके का इलीगल वेपन लेके आए हैं और जो बाकी अभियुक्त हैं उनके बारे में जो उनका आपराधिक इतिहास उसके बारे में पूछताछ चल रही है।